जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर हैं। बनारस यानी कि काशी में ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग मिलने के दावे के बीच में कंगना रनौत वहां पहुंची अपने एक फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। कंगना रनौत से सवाल पूछा गया भगवान शंकर को लेकर के, तो उन्होंने साफ कह दिया कि काशी के कण कण में शंकर हैं और हर दीवार गिरनी चाहिए। कंगना के उद्घोष के साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो है हर हर महादेव का जयकारा लगा दिया। आपको बता दें कि कंगना रनौत जो हैं वो पहुंची थी अपने फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए मणिकर्णिका घाट पर, और उनके उसके साथ ही उन्होंने वहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उसके बाद कंगना रनौत ने काशी के सभी घाटों का दर्शन किया गंगा नदी में नाव के सहारे। इस बीच उनके फिल्म में उनके साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर के साथ साथ तमाम लोग मौजूद थे। क्या कुछ कह रही है कंगना रनौत और किस तरीके से उन्होंने काशी वाले ताजा विवाद पर अपनी बात रखी है, सुनवाते हैं आपको। मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे, और हमारी जो फिल्म धाकड़ है उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है, वो हील होके आती है वापस, उसका जो पुनर्जन्म होता है। तो हम ये फिल्म को हमने हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुखर्जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो हम बाबा जी के भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे, हमारी टीम को 20 मई को यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है, तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। मैडम, पूरा परिसर आपने घूमा बाबा से, खासकर फिल्म के लिए इच्छा जताई होगी, आप न्यूज़ भी देखती होंगी कि एक शिवलिंग मिला हुआ है बगल के मस्जिद में, आपकी क्या चाहत है? देखिए, ये जो है जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे, और हमारी जो फिल्म धाकड़ है उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है, वो हील होके आती है वापस, उसका जो पुनर्जन्म होता है। तो हम ये फिल्म को हमने हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुखर्जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो हम बाबा जी के भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे, हमारी टीम को 20 मई को यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है, तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। मैडम, पूरा परिसर आपने घूमा बाबा से, खासकर फिल्म के लिए इच्छा जताई होगी, आप न्यूज भी देखती होंगी कि एक शिवलिंग मिला हुआ है बगल के मस्जिद में, आपकी क्या चाहत है? देखिए, ये जो है जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव।